तो दोस्तों ये बात है उस दिन की। एकदम ठंडी सुबह थी, ठंडी सुबह, और मेरी निगाह पड़ती है हमारे घर के पास ही दो छोटे छोटे भटूरे जैसे, यू नो, एकदम मतलब प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। मैं देखते ही समझ गया था कि कोई इनको यहाँ पे छोड़ गया है, क्योंकि ये नई बात नहीं है, अक्सर ऐसे लोग करते हैं, नव जन्मे जो बच्चे होते हैं उनको उनकी माँ से अलग करके इसी तरह से छोड़ देते हैं। खैर मैं उनके पास गया, मैंने उनको यू नो पुकारने की कोशिश की, उनको सहलाने की कोशिश की, लेकिन वो डर रहे थे मुझसे। लेकिन तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या करना है, सिर्फ ये पता था कि इनके लिए खाना मुहैया करवाना है और इनके लिए अब छत चाहिए, घर बनाना ज़रूरी है, बाकी सब भाड़ में जाए बाद में देखेंगे। शाम को इनके लिए घर तैयार किया अच्छे से ताकि ये ठंड से बचे रहें, और घर में इनको तब इसलिए नहीं रखा क्योंकि घर में ऑलरेडी 3 डॉग्स थे बड़े, टाइसन, नूरी और मिष्टी। खतरा होता है ना अटैक करने का, इसलिए मैंने घर तैयार किया इनको, वहां रख, जब बारिश होती थी तब ये बारिश से बचे रहते थे, एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे ये था, मुझे कुछ तब सोच ही नहीं रहा था कि ये बड़े होंगे क्या होगा, तब यही था कि इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी। खैर जैसे तैसे वक्त बीता और एक दिन आया जब इन भाई बहन में से एक एक्सीडेंट हो गया, भाई का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि इनको यहाँ पे नहीं, अब हम हमारी जो शेड है ना पशुओं वाली शेड, वहाँ पे बढ़िया रहेंगे, केज में, केज लेके आया मैं, वहाँ पे केज में इनको रखा। ट्रीटमेंट शुरू हुई भाई की, इसको लेके मैं घूमा कई जगह लेके गया, यू नो, फिर इसकी टांग ठीक करवाई, जैसे तैसे इसकी टांग ठीक हो गई। फिर क्या हुआ, जो बहना है उनको हो गई पार्वो, जी हाँ दोस्तों, डेडली वायरस। उनको भी मैं लेके जा रहा था, दो दो घंटे वहाँ पे ट्रिप के लिए खड़ा रहता था, और साथ में भाई को भी हो गई, जिनको नहीं पता कि पार्वो बहुत ही एक डेडली वायरस होता है। लेकिन जैसे तैसे भगवान की कृपा रही कि जो बहन थी उसको हमने बचा लिया, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत भाई की नहीं थी और मैं उसे नहीं बचा पाया दोस्तों। वो दिन मुझे नहीं भूलता, आई थिंक कभी नहीं भूलूंगा वो दिन मैं। फिर जो बहना थी इसको हमने शेड में ही रखा और 1.5-2 महीने ये शेड में रही। उस दौरान मैं पूरी कोशिश करता रहा कि इसको अच्छा घर मिल जाए, यू नो, एक अच्छी फैमिली मिल जाए। कि एक चीज़ तो मैंने कंफर्म कर ली थी, पक्का कर ली थी, इसके साथ मैंने वादा किया था कि तुझे सड़कों पर दोबारा मैं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन कोशिश करता रहा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, घर नहीं मिला। अंत डिसीजन लेना पड़ा, बहुत ही मुश्किल था क्योंकि घर में ऑलरेडी 3 डॉग्स थे स्ट्रीट अडॉप्टेड। तो इसके साथ प्यार हो गया और ये लाडो, इसको मैं लाडो बुलाता था, इसका मेरे साथ बहुत प्यार हो गया था, यू नो, ये मेरे साथ खेलती थी, मेरा इंतज़ार करती थी सारा सारा दिन, शेड में ही रहती थी, इसको बाहर नहीं निकालते थे हम वहाँ से। तो फिर मैंने इसको अडॉप्ट करने का फैसला ले लिया, जैसे तैसे घर वालों को मनाया, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है दोस्तों आजकल एक डॉग रखना भी, यू नो, बड़ा कठिनाई वाला काम हो जाता है। तो मैं तो 4-4 रखने की सोच रहा था, तो जैसे तैसे भगवान का नाम लिया और मैंने कहा दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे इस बच्ची की जान प्यारी है और मुझे इससे प्यार है, और मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया। और वो दिन और आज का दिन, ये एकदम हसमुख है, खेलती है हमारे यहाँ, यू नो, कोई दिन नहीं होता ये शरारते नहीं करती, कभी धूप में इसने बैठना होता है धूप में पूरी नज़ारे लेती है ये, एकदम बढ़िया से धूप सेकनी होती है इसने। फिर बेड, कभी ये शेड में रहती थी, सड़कों पे रहती थी, आजकल खुद का बेड है मेम साहब का, वहाँ पे रहती हैं ये, आराम से सोएंगी, खेलेंगी। नूरी की ये पक्की दोस्त बन चुकी है, बहुत खेलती हैं ये दोनों। और एक चीज़, इसको ये चीज़ बहुत पसंद है, इस तरह से उछल कर आएगी और उछल के मतलब मेरे ऊपर चढ़ जाएगी, बस मुझे उठा लो, छोटे बच्चे होते ना जैसे, बस वैसे इसका होता है कि मुझे उठा लो, बस अपने पास रखो। इसे उस तरह मतलब खेलना उठना बहुत अच्छा लगता है, और इसका कारण है पता क्या, जब ये शेड में होती थी ना, अकेली होती थी, तो वहाँ पे मैं इसको खाना डालने जाता था, तो ये बड़ी खुश होती थी, तो इसी तरह से आती थी, लपक जाती थी मेरे ऊपर कि मुझे उठा लो उठा लो। तो ये इसको आदत बन गई है, तो पक्की आदत है, ये देखिए पप्पू पप्पू। और अब आप ही बताइए कैसे इस नन्ही जान को मैं छोड़ दूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने वो निभाई और आपके सामने ही है। तो दोस्तों बात ये आती है कि इसका नाम हमने क्या रखा है, और जैसे मिष्टी है यहाँ पे, फिलहाल नूरी और टाइसन ना सोए हुए हैं अंदर हैं वो दोनों, और इसका नाम क्या रखा है ये बात आती है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था ना इसका जो नाम रखा है थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, थोड़ा डिफरेंट है वो नेम, तो वो रिवील कर देते हैं कि इसका अब नेम क्या है। लाडो नहीं रखा क्योंकि मैं हर फीमेल जो डॉग होती छोटी डॉग उनको लाडो ही कहता हूँ, और फिर ये जो नाम रखा है मेरी सिस्टर ने रखा है, तो इसका नाम हमने रखा है पोपा जी, जी हाँ,
पोपा पोपिया ऐसे कुछ भी कह देते हैं, ये नाम मेरी सिस्टर ने रखा है, इसको वो ना पोपा पोपा कहकर बुलाती थी, तो ये समझ भी जाती थी कि पोपा, तो यही अब इसका नाम है। मैं तो इसको पोपू भी कह देता हूँ, पोपा जी, ज़्यादा मैं इसको पोपा जी कहता हूँ कि पोपा जी। तो इसका जो नाम है वो है पोपा। मैंने पिछली वीडियो में इसलिए कहा था कि नाम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चलिए अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट भी है, तो यही हमने इसका नाम रखा है। अब यही फाइनल है, ताउम्र इसका नाम यही है। हमारी वीडियोज़ में जो आने वाली वीडियोज़ हैं इसी नाम से हम इसको पुकारेंगे, और ये समझती है पोपा जी। पुला पोपू, इसको पोपिया उल्ट पुल्ट जो भी होता है ना, सब कुछ हम लोग बुलाते हैं। ये देखिए गैंग आ गई है इसी तरह से, ये नो अब गैंग बन गई इनकी। वो देखिए टाइसन के साथ खड़ी होकर डराती है। हाँ जी, हमारी नूरी भी आ गई, नूरी भी आ गई। बस वो देखिए पूरी गैंग मेंबर बन चुकी है वो गैंग। पप्पू ले, पप्पू पोपिया ले, आजो आजो आजो, देखा ये पोपा, पोपा जी, ये हमारे पोपा जी हैं, पोपा जी, पोपा जी, पोपा जी, पप्पू पप्पू है ये पप्पू। तो खैर दोस्तों, अभी धूप सेकाई हो रही है, नूरी वहाँ पे बैठी हुई है, मिष्टी ये रही, पोपा जी ये रहे, और टाइसन वो रहे। और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और मिलते हैं आपसे अगली बार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद पप्पू।